हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले टीम इंडिया के थर्ड टेस्ट मैच के पहले दिन की, जो कि काफ़ी कमाल का रहा, काफ़ी अच्छी क्रिकेट देखने मिली। अगर आपने मैच देखा होगा तो काफ़ी इन्जॉय किया होगा। श्रीलंका ने भी आज पहले दो टेस्ट मैचों की तरह नहीं खेली, काफ़ी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली और टीम इंडिया के आज उन्होंने 6 विकेट भी चटकाए। आज टीम इंडिया ने 329 रन बनाकर 6 विकेट गिरे। लेकिन हम अब बात करते हैं सुबह से, जैसे ही टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया, उसके बाद ओपनिंग करने आए शिखर धवन और लोकेश राहुल ने कमाल की बैटिंग साझेदारी की। शिखर धवन ने 119 रन बनाए केवल 118 गेंदों में और लोकेश राहुल ने भी कमाल की बैटिंग की। वो सेंचुरी से चूक गए हालांकि, लेकिन उन्होंने 85 रन का महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूट किया टीम के लिए। और उसके बाद हम बात करें तो पुजारा आज कुछ खास नहीं कर पाए। पहले दो टेस्टों में उन्होंने दोनों टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, लेकिन आज वो 8 रन से आगे नहीं बढ़ पाए। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन, और काफ़ी फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन आज वो 42 से आगे नहीं बढ़ पाए और उन्हें आउट होना पड़ा। उसके बाद हम बात करें तो रविचंद्रन अश्विन की, सॉरी फ्रेंड्स, अजिंक्य रहाणे। विराट कोहली के बाद हम बात करें तो वो केवल आज 17 रन पर आउट हो गए। सेकेंड मैच में आपको याद होगा उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन आज वो जल्दी आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन अंत में वो 31 पर ही आउट हो गए। अच्छी वो साझेदारी शाह के साथ चल रही थी, लेकिन ठीक है, होता है क्रिकेट में, वो जल्दी आउट हो गया आज 31 पर। रिद्धिमान शाह और हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे हैं, वो कल सुबह फिर से आकर स्टार्ट करेंगे और चाहेंगे कि टीम इंडिया कैसे ना कैसे, पहले तो टीम इंडिया के मन में ये होगा कि वो 400 का आंकड़ा पार करे। तो अब देखना होगा कि कल टीम इंडिया कितना बना पाती है। रिद्धिमान शाह 13 रन बनाकर और हार्दिक पांड्या 1 रन बनाकर खेल रहे हैं और अभी भी बैटिंग बची है, ऐसी कुछ बात नहीं। मोहम्मद शमी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं। कुलदीप यादव भी अच्छे बैट्समैन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छे बैटिंग करते हैं वो भी, तो देखना होगा। और रिद्धिमान शाह और हार्दिक पांड्या तो अच्छे बैट्समैन है ही। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम बात करें तो एक श्रीलंका ही मलिंदा पुष्पका कुमारा, काफ़ी अच्छे बॉलर, यंगस्टर। उन्हें एक्चुअली मैच देखते हुए मुझे लगा कि वो, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अमित मिश्रा बॉलिंग कर रहे हैं, एकदम उनका लुक सेम टू सेम उनके जैसा है। तो प्लीज़, अगर आपने भी मैच में आपने अगर मैच देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं एकदम से मैच देख रहा था, मुझे लगा अरे अमित मिश्रा कैसे बॉलिंग करने आ गए, लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा तो थोड़े अलग थे अमित मिश्रा से, लेकिन उनका एक्शन, उनका लुक पूरा अमित मिश्रा जैसा है। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की आज, 18 ओवर डाले, 2 मेडन डाले और 3 विकेट भी निकाले, वो भी विकेट उन्होंने ऊपर के निकाले, दोनों ओपनर को आउट किया। उसके बाद बड़ा विकेट अजिंक्य रहाणे का भी, उन्होंने अजिंक्य रहाणे को बोल्ड कर दिया, इस तरह से उन्हें 3 विकेट मिले। तो फ्रेंड्स, आज इंडिया ने 329 रन बनाए बैटिंग करते हुए पहले दिन में। तो अब देखना होगा कि कल टीम इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी रहती है। पहली स्ट्रेटेजी तो यही होगी कि आकर कम से कम पहले आधा 1 घंटा कोई विकेट ना गिरे, उसके बाद इनिंग बिल्ड करे। पांड्या काफ़ी तेज़ी से रन बना सकते हैं, रिद्धिमान शाह भी रन अच्छे से तेज़ी से ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है। उसके पहले मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि श्रीशांत के ऊपर है, प्लीज़ आप जाकर वो वीडियो देखें और उस पर आपकी क्या राय है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।